तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को इस वर्ष पाएं, ये हमारी दुआ है। आप भगवान से, प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करें। दोस्तों उसके लिए आपको जो करना है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये तीन स्टोरी जो हमने हिमेश सर के से सुनी है, और दोस्तों ये बहुत पुरानी कहानी है और इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। दोस्तों ये तीन कहानियों में आपके जीवन का सारा सार छुपा है। दोस्तों अगर आप इसे कर ले गए और दोस्तों इस कहानी के मर्म को आप समझ गए तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों हम आपको ऐसे तीन टिप्स बताएंगे जो आपको अपनी मंजिल पर जल्द पहुँचा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक आदमी होता है और एक उनके गांव में एक बाबा रहते हैं, वो हर चीज़ को सच सच बता देते हैं। दोस्तों एक आदमी सोचता है आज बाबा का उपहास उड़ाऊंगा, आज बाबा का मजाक बनाऊंगा, और एक पक्षी पकड़ता है और वो अपने मुट्ठी में उसको लेकर जाता है। बोलता है बाबा से पूछूंगा कि मेरे मुट्ठी में जो पक्षी है जो बाबा हमेशा सच सच बता देता था, क्या वो बता पाएगा। अगर उसने कहा कि वो जिंदा है तो मैं इसे मसल दूंगा और ये मर जाएगा, और अगर उसने कहा कि ये मरा हुआ है तो ये जिंदा निकलेगा। दोस्तों वो बात सोच कर चला और वहाँ पहुँचने पर बाबा से पूछता है कि बाबा बताइए मेरे हाथ में जो पक्षी है वो मरा है या जिंदा है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो वो जिंदा है और तुम चाहो तो वो मरा है। अगर तुम अभी उसे आज़ाद कर दो तो वो जिंदा है, और कुचल दो तो वो मरा है, ये तो तुम्हारे हाथ में। ठीक इसी तरह दोस्तों 2020 जो आने वाला है वो हमारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे हाथ में है। और दोस्तों किस तरह से हमें इसे प्राप्त करना है वो मैं अगली कहानी के बाद बताता हूँ, वेट करिए। दोस्तों जो दूसरी कहानी है वो एक मुसाफिर रहता है, रेगिस्तान में चला जा रहा है, बहुत थक जाता है, बहुत जोरों की प्यास लगती है। कुछ दूर पर उसे एक अच्छा तालाब दिखाई देता है और वो धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुँचता है और सोचता है कि क्या ये सच में पानी है। जब उसके पास पहुँचता है और देखता है कि ये तो वास्तव में एक अच्छा सुंदर मीठे पानी का तालाब है, वो अपने ऊँट से उतरने की कोशिश करता है, फिर सोचने लगता है कि क्या करूँ, पानी कैसे पीऊँ मैं। दोस्तों वो इसी विचार में उलझा हुआ रहता है, एकदम थका हारा सा ऊँट से उतरता है और यही विचार करता रहता है। दोस्तों थोड़ी देर में वहाँ से एक और मुसाफिर गुजरता है, वो उसको देखता है और बोलता है कि क्या सोच रहे हो आप, मुझे बहुत थके हुए प्यासे लग रहे हो। वो बोलता है हाँ प्यासा तो हूँ, लेकिन इतना बड़ा तालाब है, सोच रहा हूँ पानी में पीऊँ। दोस्तों वो बोलता है कि मैं पानी पीऊँ कैसे, यही मैं सोच रहा हूँ। तो वो मुसाफिर कहता है कि दोस्त मित्र बड़ी आसान बात है, और अपने चुल्लू से एक चुल्लू भर पानी भरता है और उसे पिला देता है। बोलता है मित्र इस तरह से पियो, थोड़ा थोड़ा कर कर पियो, आप अपनी भूख आराम से शांत कर सकते हो, जितना मन करे जितनी प्यास है आप उतनी पानी पी सकते हो, ये तो अथाह तालाब है, जितना चाहे सकते हो। दोस्तों तो इसी तरह है हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, अपने लक्ष्य को थोड़ा थोड़ा कर कर अपने गोल को हफ्तों में, सप्ताह में, दिन में, घंटों में कन्वर्ट करें। और दोस्तों हफ्तों, दिनों और महीनों में कन्वर्ट करिए, जितना दिन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं सोच समझ कर अपने दिन निर्धारित करिए और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। भागा दौड़ी मत करिए, और रेस आप अगर कछुए की भांति भी चलते हैं तो भी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन स्टोरी से, इस कहानी से आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है, बस अपने लक्ष्य को डिवाइड करना है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।